गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सोनी नर्सिंग कॉलेज बगलू जयपुर। आज हम पेनिस डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट के अंदर आपकी एक यूनिट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे आज पेनिस डिसऑर्डर। पेनिस डिसऑर्डर के अंदर भी तीन चार डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन अपन यहाँ पर पहले फिमोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ये डायग्राम देखिए आप। सबसे पहले ये एक तरफ आपका जो जेनाइटल्स ऑर्गन है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, और एक तरफ आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो कि एक जो डायग्राम है लेफ्ट साइड में, उसके अंदर जो स्किन है वो पूरे आपके ग्लांस पेनिस को कवर करके रखी है, और एक तरफ जो डायग्राम राइट साइड के अंदर, उसके अंदर जो ग्लांस पेनिस है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी फोर स्किन ऊपर आ नहीं रही है। तो ठीक है, लेफ्ट साइड में डायग्राम आप देखिए, आप पेनिस है, पेनिस के यहाँ पर आप फोर स्किन देख रहे हो, उसके ऊपर जो एक फोल्ड स्किन का जो फोल्ड आया हुआ है उसको अपन प्यूस बोल रहे हैं। ठीक है, नीचे स्क्रोटम है। ठीक है, एक साइड देखिए, राइट साइड में रिट्रैक्टेड फोर स्किन है, जिसकी जो ग्लांस पेनिस की जो स्किन है वो बैकवर्ड नॉर्मल कंडीशन के अंदर दी हुई है। ठीक है, डायग्राम देखिए, आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि अपन किस इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज, कि एक तरफ नॉर्मल जेनाइटल ऑर्गन, मेल जेनाइटल ऑर्गन है, और दूसरी तरफ अबनॉर्मल तरीके से कि उसके अंदर फोर स्किन ने ग्लांस पेनिस को कवर करके रखा है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर इसी के ऊपर बेस है। अपन आगे चल के इसका डिस्कस करते हैं। फिमोसिस इंट्रोडक्शन देखिए। फिमोसिस इज ए कंडीशन इन विच द फोर स्किन ऑफ द पेनिस कैन नॉट बी पुल्ड बैक पास्ट द ग्लांस। एक बार फिर से डायग्राम को देखिए, कि मैंने बताया कि क्या है नॉर्मल, जो आपने इंट्रोडक्शन देखा था, फिमोसिस इज ए कंडीशन इन विच द फोर स्किन ऑफ द पेनिस कैन नॉट बी पुल्ड बैक पास्ट द ग्लांस। जो लेफ्ट साइड जो डायग्राम दिखा हुआ है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि फिमोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर अपन फोर स्किन, जो पेनिस की जो फोर स्किन्स है उसको अपन पुल बैक नहीं कर सकते, मतलब उसको वापस बैक साइड में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का ये डिसऑर्डर है कि एक बार अगर ये चीज आगे आ गई फॉर स्किन, तो इसको बैक ये ऑटोमेटिक नहीं होती है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, फिमोसिस बोल रहे हैं। ए बैलून लाइक स्वेलिंग अंडर द फोर स्किन में अकर विथ यूरिनेशन। जब भी अपन यूरिन पास आउट करते हैं, तब उस दौरान क्या होता है कि जो फोर स्किन, आगे की जो फोर स्किन है वो क्या होती है, उस यूरिन की फिलअप की वजह से वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और वहां पर क्या होता है कि आसपास में स्वेलिंग जैसी आपको दिखाई देती है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार देखिए आप फिर से। फिमोसिस इज ए कंडीशन इन विच द फोर स्किन, जिसको अपन ब्रैकेट में दे दूसरा नाम से जान रहे हैं, प्रीप्यूस ब्रैकेट बंद, कैन नॉट बी रिट्रैक्ट ओवर द ग्लांस। अब फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में देखिए कि आपको वही लास्ट टाइम में जो डायग्राम दिखाया था वैसा ही डायग्राम है, कि जो फोर स्किन है वो पूरे ग्लांस पेनिस को क्या करके रखी है, कवर करके रखी है। ठीक है, और राइट साइड के अंदर एक डायग्राम है जिसमें फोर स्किन क्या हो रही है, रिट्रैक्ट फॉर्म के अंदर है। तो कंडीशन क्या हो रही है कि ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फोर स्किन अपनी नॉर्मल कंडीशन में या कैन नॉट बी रिट्रैक्ट ओवर द ग्लांस, कि एक बार ऊपर ओवर हो गई तो वो वापस बैक साइड में नहीं जा रही है। तो उसी कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, फिमोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, कॉजेस क्या है, द टिप ऑफ द फोर स्किन इज टू नेरो टू पास ओवर द ग्लांस पेनिस, कि हो सकता हो कि ग्लांस पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन है बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा नेरो कंडीशन के अंदर है, जिसकी वजह से वो ग्लांस पेनिस को क्या कर पास ओवर नहीं कर पा रही है। ठीक, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, द इनर सरफेस ऑफ द फोर स्किन इज फ्यूज्ड विद द ग्लांस पेनिस, दिस इज नॉर्मल इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट बट अब नॉर्मल इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर तो ये चीजें क्या होती है, अबनॉर्मल तरीके से होती है, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर और अडोलसेंट के अंदर ये चीज फोर स्किन क्या करती है, उसको ग्लांस पेनिस को थोड़ा कवर करके रखती है, लेकिन अडल्ट कंडीशन में आओगे तो वो फोर स्किन थोड़ा पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अडल्ट कंडीशन में ये रिट्रैक्ट नहीं होती है तो ये अबनॉर्मल कंडीशन में अपन इसको क्या करते हैं, काउंट करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रेनुलम इज टू शॉर्ट टू अलाउ कंप्लीट रिट्रैक्शन ऑफ द फोर स्किन, कंडीशन कॉल्ड फ्रेनुलम ब्रेव। फ्रेनुलम किसे बोल रहे हैं अपन, कि जो पेनिस है, पेनिस के जस्ट बैक साइड में जो आपके एक फ्रेनुलम बना हुआ है, अगर वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो वो क्या करेगा कि ग्लांस पेनिस को पूरा रिट्रैक्ट होने में कम प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो वापस वो बैक साइड में क्या करना है, उसको कंप्लीटली रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसको अब थोड़ी दिक्कत होती है कि वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में वो आए।
क्योंकि उसका जो फेनुलम है वो क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट कंडीशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके कंटिन्यू पढ़ते हैं, बेलानाइटिस। इसमें क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लांस पेन इज इफ ग्लांस इज नॉट क्लीन सेक्रेशन एक्यूमुलेट कॉजिंग द बेलानाइटिस। इसमें क्या हो रहा है कि ग्लांस पेनिस के अंदर जो कहीं भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ रही है, और वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन कब आ रही है कि उस ग्लांस पेनिस के एरिया को अपन ने बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया हो, अपने यूरिन पास आउट किया हो और वहीं पर यूरिन का कुछ ना कुछ अमाउंट फ्लूड अगर इकट्ठा हो गया हो, या फिर वहां पर कुछ और हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो उसकी वजह से वहां पर कुछ ना कुछ फ्लूड वगैरह एक्यूमेशन हो रहा हो, वो क्लियर नहीं कर रहे हो आप पेनिस का एरिया, तो उसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन में अपन को बोल रहे हैं बेलानाइटिस बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फिमोसिस में आकर रिपीटेड कैथेटराइजेशन। अगर एक मेल बंदे को बार बार में आप कैथेटराइज करते हो, बार बार में उसकी ग्लांस पेनिस के अंदर कैथेटर डालते हो, तो वो क्या कर सकता है, उसको इरिटेट या उसको प्रॉब्लम कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लांस पेनिस की जो फोर स्किन है वो क्या होती है, वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती है। तो वो बार बार रिपीटेड अगर कैथेटराइजेशन करोगे तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको फिमोसिस हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फिमोसिस में ऑल्सो अराइज इन अनट्रीटेड डायबिटीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन गिविंग राइज टू इन्फेक्शन इन द फोर स्किन। अगर किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो यूरिन पास आउट करने जा रहा है, और उस दौरान अगर यूरिन का कुछ भी अमाउंट अगर फ्लूड अगर उसके ग्लांस मेनिस के एरिया में रह जाता है, तो वहां से अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो ग्लांस ग्लूकोज का लेवल या उस जो यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंस है वो क्या करेगी, उस ग्लांस मेनिस के एरिया के अंदर अराउंड जो आपके ग्लांस मेनिस है वहां पर इन्फेक्शन स्किन के अंदर इस इन्फेक्शन कर सकती है, और उसकी फोर स्किन के अंदर भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगी, वो उसको रिट्रैक्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कंडीशन में ऐसी इन्फेक्शन होने के चांस की वजह से आपको फिमोसिस अडल्ट कंडीशन में हो सकती है। नेक्स्ट है, फिमोसिस ऑफन डेवलप इन अडल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन एडिमा एंड कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। अगर अडल्ट एज के अंदर अगर किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार का अगर वहां पर फ्लूड इन्फेक्शन हो रहा हो, या वहां पर स्किन इन्फ्लामेशन हो रहा हो फोर स्किन के वहां पर ग्लांस पेनिस के वहां पर, या वहां पर किसी प्रकार का एडिमा कंडीशन वहां पर आ रही है, या फिर हाइजीन की वजह से वहां पर कुछ सेक्रेशन जमा हो रहा है जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके उस इंडिविजुअल के अंदर या उस अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर फिमोसिस कंडीशन हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं कि कंजेनाइटल डिफेक्ट भी उस पेशेंट के अंदर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बिफोर द बर्थ मतलब जन्म से पहले ही उस इंडिविजुअल के अंदर वो जो फोर स्किन है ग्लांस पेनिस के और कवर की हुई है, तो उस दौरान अपन क्या बोलते हैं उसको, कंजेनाइटल डिफेक्ट भी हो गया हो या फिर उसके अंदर ईस्ट इन्फेक्शन मतलब वहां पर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाए, तो उसकी वजह से भी फिमोसिस कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पुअर हाइजीन, कि अगर इंडिविजुअल यूरिन जाके आ रहा हो और वहां से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ फिमोसिस। फिमोसिस बेसिकली दो टाइप से अपन काउंट करके चल रहे हैं। पहला है कंजेनाइटल फिमोसिस। इन कंजेनाइटल फिमोसिस केसेस द कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट अराइजिंग व्हाइल द चाइल्ड इज स्टिल इन फिटस। द डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी फिमोसिस। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बच्चा फीटस के अंदर है और उस दौरान उसको वो प्रॉब्लम हो रही है तो कंजेनाइटल फिमोसिस के अंदर उसको क्या करेंगे, अपन इंक्लूड करेंगे। क्लियर। सेकंड में क्या है, एक्वायर्ड फिमोसिस। एक्वायर्ड फिमोसिस का मतलब क्या है कि आफ्टर बर्थ अब उसको कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो फिमोसिस कंडीशन उस पेशेंट के अंदर आ गई है। तो देखिए इसमें क्या चीज दी है, इन केस ऑफ एक्वायर्ड फिमोसिस द पेशेंट डेवलप ए फिमोसिस रिंग आफ्टर हिज बर्थ। कि जन्म देने के मतलब जन्म होने के बाद में उस पेशेंट के उस ग्लांस पेनिस एरिया के ऊपर या उसके सराउंडिंग में कुछ फिमोसिस रिंग बन गई हो, वो कब हुई है, जन्म लेने के बाद में हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी फोर स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रही है या स्ट्रेच होने में क्या कर रही है, उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी वहां पर होगा। और ये किसके अंदर अपन इंक्लूड कर रहे हैं, उसको सेकेंडरी फिमोसिस के अंदर यूज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रेड्स ऑफ सीवियरिटी। इसके अंदर आप देखिए आप कि पांच ग्रेड्स दी हुई है। पहले ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्रेड फर्स्ट फुल रिट्रैक्शन ऑफ फोर स्किन टाइप बिहाइंड द स्किन। छह डायग्राम दिए हुए हैं। तो पहला है ग्रेड जीरो। ग्रेड जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर पेनिस स्किन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी स्किन वहां पर ओवर रिएक्ट या उसको रिट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अपन बात करते हैं स्कोर फर्स्ट मतलब ग्रेड फर्स्ट के अंदर।
इसमें क्या हो रहा है कि फुल रिट्रैक्शन ऑफ स्किन, कि स्किन का ऊपर फुल रिट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो पेनिस का जो नीचे का जो एरिया है, लोअर जो स्किन है, वो बिल्कुल टाइट है। तो वो उस दौरान क्या हो रहा है कि हल्की फुल्की टाइट है, लेकिन ऊपर ऑल ओवर जो फोर स्किन का जो एरिया है, वो बिल्कुल क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में रिट्रैक्ट हो रहा है। बट उसकी जो पीछे की जो स्किन है, उसके अंदर थोड़ा सा क्या आ रहा है, टाइटनेस आ रहा है। तो वो वहां पर क्या हो रहा है कि वो ग्रेड फर्स्ट है, मतलब उसको स्कोर 1 दिया जा रहा है। नेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि स्कोर 2, इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल एक्सपोजर ऑफ ग्लांस, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फोर स्किन है वो ग्लांस पेनिस को क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है, और पार्शियल एक्सपोजर हो रहा है वहां पर ग्लांस का, क्लियर। पूरा कंप्लीट तरीके से वो ग्लांस ओपन नहीं हो रहा है, पूरी कंप्लीट तरीके से वो स्किन वहां से रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, कम हो रही है, मतलब पार्शियल कंडीशन के अंदर, क्लियर। तो उसको अपन बोल रहे हैं ग्रेड सेकंड। ग्रेड थर्ड के अंदर क्या हो रहा है, पार्शियल रिट्रैक्शन और मीटर जस्ट विजिबल। यहां पर क्या हो रहा है कि रिट्रैक्शन कैसा हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, कंप्लीट भी नहीं है कि आप पूरा पूरा वो चीज जो ग्लांस पेनिस है वो फोर स्किन से कवर हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, पार्शियल रिट्रैक्शन हो रहा है। और उस पेनिस का जो मेटस पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो क्या हो रहा है कि जस्ट विजिबल है, कि पूरी तरह से विजिबल नहीं हो रहा, जस्ट थोड़ा बहुत आपको क्या कर रहा है वहां से वो दिख रहा है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कोर थर्ड या थर्ड ग्रेड। इसके बाद में क्या है, स्कोर फोर, जिसमें क्या है, स्लाइट रिट्रैक्शन बट सम डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड ग्लांस, कि स्लाइट रिट्रैक्शन है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि वो कवरिंग हो चुकी है, बट थोड़ा सा रिट्रैक्ट हो रहा है वो हल्का फुल्का, कि आपको ग्लांस पेनिस की टिप और ग्लांस थोड़ा बहुत आपको क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट हो सके, वो चीज वो दिख सके बस। उसके बाद में वो स्किन बिल्कुल की बिल्कुल क्या कर रही है, ग्लांस पेनिस को पूरी पूरी कवर करके रख रही है। नाइदर मीटस नॉर ग्लांस कैन बी एक्सपोज, आप इसके अंदर उस पेनिस के अंदर पेनिस का ना तो आप मीटस देख पा रहे हो, ना पूरी तरह से उसका ग्लांस देख पाओगे, ठीक है, वो पूरा क्लोज हो जाएगा फोर स्किन के द्वारा। उसके बाद में स्कोर 5, स्कोर 5 में क्या, एब्सोल्युटली नो रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन ऑफ फोर स्किन। इसमें क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी ग्लांस पेनिस के ऊपर पूरी जो स्किन है वो पूरी पूरी कवर हो गई है, और यहां पर आपको कुछ भी चीज उस पेशेंट की नजर नहीं आएगी, उस तो ग्लांस पेनिस के अंदर ना तो टिप नजर आएगा, ना उसका ग्लांस नजर आएगा, और सारी सारी जो फोर स्किन है वो क्या करेगी, उसको ग्लांस पेनिस को कवर कर लेगी। उसको अपन क्या नाम दे, क्या कितना स्कोर दे रहे हैं, 5 स्कोर या ग्रेड 5 के बारे में, समझ में आया। उसके बाद में बात करते हैं फिमोसिस साइन एंड सिम्टम्स, कि अब उस पेशेंट के अंदर किस टाइप के साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कि आपकी उस पेशेंट की क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर क्या स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, स्किन रिट्रैक्ट नहीं होगी तो आपको चीज पेन करेगी, इन्फ्लामेशन कंडीशन की वजह से वो चीज हो गई हो, एडिमा की वजह से वो चीज हो गई हो, या फिर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं करी हो जिसकी वजह से वो ग्लांस पेनिस के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको सबसे ज्यादा पहला क्या होगा, वहां पर सीवियर पेन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, वहां पर पेनाइल इन्फ्लेमेशन, हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है, इन्फेक्शन वहां पर होने का चांस है, या रेगुलर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं करी है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, या फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसकी वजह से आपके उस ग्लांस एरिया के ऊपर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया हो और उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपके ग्लांस पेनिस पे आ गई हो। उसके बाद में क्या है, पेनाइल डिस्चार्ज, इसमें क्या हो रहा है कि वहां एडिमा की वजह से या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन की वजह से या बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर वहां पर प्रेजेंस हो गई है तो वो क्या करता है, पस फॉर्मेशन का निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वहां पर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा 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 वहां से डिस्चार्ज होता रहता है। नेक्स्ट है पिनाइल ब्लीडिंग, कि वहां पर कुछ भी कंडीशन स्किन थोड़ा सा भी रक्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, घाव वगैरह हो जाए, तो वहां पर ब्लीडिंग होने का चांस आपको हो सकता है। कैंसर पेशेंट को हो सकता है कि आपने रेगुलर अगर ऐसी कंडीशन में रही पेशेंट की, वो कैंसर में डेवलप हो जाए। रेडनेस आपको वहां पर नजर आएगी क्योंकि स्किन एरिया इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एडिमा की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, स्किन में क्या हो रही है, रेडनेस कंडीशन आ रही है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, आप यूरिन करने जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपकी स्किन क्या हो रही है, वहां पर रिट्रैक्ट हो रही है, रिट्रैक्ट होगी तो आपको यूरिनेशन में क्या होगा, आपको पेन होगा, तो आपको वहां पर दर्द फील हो सकता है जब भी आप यूरिनेशन करने जा रहे हो। पेनफुल इरेक्शन हो जाएगा, जब भी आपके पेनिस के अंदर इरेक्शन वाली कंडीशन आती है तो उस दौरान फोर स्किन की कवरिंग की वजह से या स्टॉपेज की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, आपको पेन फील हो सकता है। उसके बाद में फिमोसिस डायग्नोसिस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अगर ऐसा कोई फिमोसिस का पेशेंट आपके पास में आए, नॉर्मली डॉक्टर से अपन उसके डिस्कस करते हैं, तो
देखने से भी फिजिकल एग्जामिनेशन अगर अपन उस अटेंड पेशेंट का करेंगे तो अपन को नजर आ जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर ग्लास फिमोसिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन अपन क्या कर रहे हैं कि उसके ग्लास पेनिस को डायरेक्टली अपन एग्जामिन कर रहे हैं, और एग्जामिन करके ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का ग्लास पेनिस के ऊपर फोर स्किन ओवरलैप है या नहीं है, या नॉर्मल अपनी पोजिशन के अंदर है, या फिर किसी फॉर्मिन की वजह से उसकी बिहाइंड में स्किन की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो वो अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसके बारे में, कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पर इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन, ए स्किन बायोप्सी कैन बी में बी कैरिड आउट। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, या वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंबे समय से है, तो कहीं कैंसर्स का कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर आगे जाके कुछ ऐसा फील हो रहा हो, तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, उसका बायोप्सी करवा सकते हैं। बायोप्सी करवा के अपन क्या पता कर सकते हैं कि वहां पर किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ तो नहीं हुआ है, क्योंकि कैंसर के डिटेक्शन करने के लिए अपन को बायोप्सी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और बायोप्सी से अपन को पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर अबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। बायोप्सी में अपन क्या करते हैं कि एक नीडल की सहायता से अपन उस पेशेंट की फोर ग्लैंड से जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां से अपन क्या करते हैं, छोटा सा टिश्यू पार्ट लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, एग्जामिनेशन कर लेते हैं उसकी सेल की, जो भी अपने टिश्यू लिया था उसकी साइज, सेल, शेप, जो भी है, सब कुछ का अपन पता लगाते हैं, और उसमें यह भी आइडेंटिफाइड हो जाता है कि नई सेल्स वहां पर ग्रोथ कर पा रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये अपन फिजिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी से अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फिमोसिस ट्रीटमेंट। देखो, दो कंडीशन में अपन ने फिमोसिस के बारे में पढ़ा था, एक तो अपन ने प्राइमरी फिमोसिस के बारे में डिस्कस किया था, एक सेकेंडरी फिमोसिस के बारे में डिस्कस किया था। प्राइमरी में अपन क्या देख रहे थे कि वो फिटस में हो गया था, बाहर आके नहीं हुआ, और सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि उसको किसी इन्फ्लामेशन, एडिमा की वजह से, या कैंसर कुछ सेल्स की डेवलपमेंट की वजह से, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहां पर वो क्या हो रहा है, फिमोसिस डेवलप हो रहा है। तो अपन पहला जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, नॉन सर्जिकल है। ट्रीटमेंट फॉर फिमोसिस सेकेंडरी टू इन्फ्लामेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइडल क्रीम टू द फोर स्किन टू सॉफ्टन एंड करेक्ट द नेरोनेस। अगर वहां पर अपन क्या करते हैं कि अगर किसी भी इन्फ्लामेशन कंडीशन की वजह से अगर उसकी फोर स्किन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है पेशेंट को ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान, तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, स्टेरॉइडल क्रीम है उसको क्या कर रहे हैं, अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ग्लांस पेनिस पर लगाने के लिए। वो कौन सी मेडिसिन है उसकी, बेटा मिथाजोन। इसको अपन क्या करते हैं कि उसके ग्लांस पेनिस के ओवर एरिया के ऊपर अपन क्रीम लगा के उसकी जो इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वहां से रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं ताकि वो पेशेंट नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाए। ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा वाला है, फार्माकोलॉजी का, मतलब नॉन सर्जिकल कंडीशन वाला। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर पेशेंट के अंदर पहले से ही फिमोसिस हो चुका है तो अब उसका अपन कैसे, वो पेशेंट को क्या करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर वो फिमोसिस कंडीशन हुई है तो वो किस टाइप की हुई है और किस साइड से हुई है। ठीक है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। तो सर्जिकल मेथड्स रेंज फ्रॉम द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द फोर स्किन टू मोर माइनर ऑपरेशन टू रिलीव फोर स्किन टाइटनेस। ठीक है, फर्स्ट आपको इसमें प्रोसीजर आपको करना है, कौन सा वाला है, डोर्सल स्लिंट। डोर्सल स्लिंट के अंदर क्या करते हैं अपन, सुपर इंसिजन। देखो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है सुपर इंसिजन, इसका मतलब क्या हो रहा है, इज ए सिंगल इंसिजन अलोंग द अपर लेंथ ऑफ द फोर स्किन फ्रॉम द टिप टू द कोरोना एक्सपोजिंग द ग्लांस विदाउट रिमूविंग एनी टिश्यूज। इसमें अपन आप डायग्राम में देखिए कि डायग्राम में आप ऊपर देख रहे हो कि उसके सुपर इंसिजन लगाया हुआ ओनली, कि उसकी ग्लांस पेनिस के सुपर जो फोर स्किन है वो उसको कवर करके रखी हुई हो। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, उसके एक कट लगा के उसकी स्किन को रिट्रैक्ट करके, अपर जो लेंथ की जो फोर स्किन है उसको रिट्रैक्ट करके उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आए, और वहां पर उसको क्या करते हैं, अपन स्टिच करके सेट कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर अपन उस पेशेंट का कोई भी टिश्यू अगर कट करके रिमूव नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर जो डोर्सल स्लिंट है, सुपर इंसिजन है, वही सिंगल अपन कट लगा के उसकी स्किन को क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में सेट करके रख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है वेंट्रल स्लिट। वेंट्रल स्लिट में क्या करते हैं कि पेनिस है, पेनिस के, अब पहले वाले में क्या किया था कि आपने उसका सुपर इंसिजन लगाया था, अब यहां पर क्या हो रहा है, सब इंसिजन लगा रहे हैं। इज एन इंसिजन अलोंग द लोअर लेंथ ऑफ द फोर स्किन फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्रेनुलम टू द बेस ऑफ द ग्लांस। अब जो पेनिस का जो ग्लांस है उसके जो बैक साइड में जो फ्रेनुलम बना हुआ है उसके बिल्कुल लेंथ ही अपन क्या करते हैं, पेशेंट के कट लगा के उसकी स्किन को क्या कर रहे हैं, वापस
नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है। रिमूविंग द फेनोलम इन द प्रोसेस, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किसी पेशेंट के अंदर फेनोलम की प्रॉब्लम है, कि उसका फेनोलम की वजह से उसकी स्किन शॉर्ट हो रही है, तो उसके साइड लाइन से अपन क्या करते हैं, उसको लेंथ ही कट करके उसको क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, प्री पुटियोप्लास्टी। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एक लिमिटेड डोर्सल स्लिट विथ ट्रांसवर्स क्लोजर इज मेड अलोंग द कंस्ट्रक्टिंग बैंड ऑफ स्किन कैन बी एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू सर्कमसीजन्स। अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि पेशेंट है, उसका ग्लांस जो पेनिस है उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि डोर्सल स्लिट विथ ट्रांसवर्स कि ऊपर की सुपरफिशियल एक सुपरफिशियल सुपर इंसिजन अपन ने कट लगाया, साथ में उसके ट्रांसवर्स रीजन पे भी अपन क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं। कट लगाने के बाद में उसकी जो भी स्किन है उसको अपन फोल्ड करके बैक साइड में लेके उसको अपन क्या कर रहे हैं, सूचर्स कंप्लीट करके उसको अपन क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्कमसीजन। सर्कमसीजन में क्या करते हैं कि आप इसमें डायग्राम में देखिए कि एक तरफ अनसर्कमसीज्ड पेनिस है और दूसरी तरफ सर्कमसीज्ड पेनिस है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो फोर स्किन है पेशेंट के पेनिस की वो सुपरफिशियल, उसको अपन क्या करते हैं पूरी पूरी वहां से क्या करते हैं, कट करके उसको वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इट इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट, आप इसमें देख सकते हैं राइट साइड में डायग्राम है, उसमें आपको डायग्राम से आप कंपेयर कर सकते हो कि एक तरफ अब नॉर्मल है एक तरफ नॉर्मल है। तो नॉर्मल में आप देखो कि उसकी जो ग्लांस पेनिस की जो फोर स्किन थी उसको पूरी पूरी वहां से हटा के उसको नॉर्मल कंडीशन में कर दिया है, ठीक है। आज का टॉपिक अपना फिमोसिस है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।